योगी सरकार भले ही वातावरण को प्रदूषण से बचाने को लेकर हर साल वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रही हो, लेकिन अधिकारी इस मिशन में पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मामला औरैया जनपद के अचरता थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की कटान जोरों पर हो रही है। आए दिन वन विभाग से बगैर परमिशन और थाना पुलिस से साठगांठ कर लकड़ी के ठेकेदार हरे पेड़ों को कटवा रहे हैं। वहीं जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वाकई हरे नीम के पेड़ पर कुल्हाड़ी और मशीन चल रही थी। वहीं जब हमने पेड़ काट रहे लेबर से बात की तो उन्होंने खुफिया कैमरे के सामने वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। इतना ही नहीं, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को पहुंच रहा पैसों का भी रेट फिक्स बताया। जी नहीं, हरे पेड़ों का कटान जो कल हो रहा था, मैं स्वयं मौके पर गया था। एक नीम के पेड़ को काटते हुए पकड़ा गया, जिसको बरामद कर लिया गया है और मुलजिम के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है। सर, जो बरामद लकड़ी है, जो पेड़ है, वो कहाँ पर गया है, इसको किस तरह से जब्त किया गया है विभाग द्वारा? नहीं, विभाग द्वारा उसको अभी सुपुर्दगी में अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। अगर वो अपराधी उसका कंपनसेशन जमा कर देता है तो लकड़ी उसके पक्ष में रिलीज कर दी जाएगी, और अगर जमा नहीं करता है तो उसके विरुद्ध चार्जशीट बनाकर कोर्ट भेजा जाएगा। जब कोर्ट में डिसाइड होगा तो लकड़ी उसको रिलीज की जाएगी।